हेलो यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और गाइज आज हम जा रहे हैं फाइनली उज्जैन। गाइज उज्जैन जाने का जो टूर है हमारा फाइनली बन चुका है और हम जा रहे हैं गाइज पांच जने, हमारे सोनू भाई, श्याम भैया और हमारे हिमांशु भाई और हमारे विजय भैया। तो कार चलेंगे अपनी न्यू डिज़ायर फुल पावर के अंदर। और ये जो व्लॉग आएगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। मैं वहाँ पर आपको ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों का मंदिर बताऊँगा और वो ये दो मंदिर बताऊँगा वो वहाँ के मेन मंदिर है उज्जैन के। और देखते हैं गाइस इंदौर भी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो अगर लेट हो गए तो गाइस नहीं जा पाएंगे, और अगर फिर अगर वहाँ पे टाइम बचेगा तो इंदौर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सोलो व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं आपको दिखाऊंगा ये पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। शाम के 5 और हम निकलेंगे यहाँ से रात के 8 बजे और सीधा चलते हैं गाड़ी के अंदर ही सारी बात करते हैं विजय भैया से कि वो हमारे को कहाँ कहाँ पर घुमाएंगे उज्जैन के अंदर। तो दोस्तों अभी देख लो हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, बाइक की गाड़ी में। तो ये हमारे विजय भैया, ये हमारे को पूरा टूर करवाएंगे उज्जैन। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है उज्जैन, कहाँ कहाँ घुमाएंगे भैया, क्या टूर है और कौन सी गाड़ी से हम जा रहे हैं। हाँ भैया देखो, अभी तो पहले तो उज्जैन का ही है, तो उज्जैन पहुँचते हैं उसके बाद में बताएंगे क्या क्या घूम रहे हैं। गाड़ी कौन सी है अभी? डिजायर टूर 2023 का न्यू मॉडल। और आपके कॉन्टेक्ट नंबर बता दो एक बार। वो मैं आपको बता दूंगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे भोले बाबा के बाद। भोले बाबा की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। तो दोस्तों यहाँ पे सीएनजी लगा रहे हैं हमारे भैया, हो गया सीएनजी। अगर हम सब बैठे रहते ना तो सीएनजी कम आती है गाड़ी में, अब सब उतर गए तो सीएनजी ज्यादा आएगी। ओ ये हाय मानसु भाई, अरे 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 दोस्तों यहाँ पे सीएनजी भर चुकी है हमारी, फुल हो गया एकदम। अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम फुल भरा लिए यहाँ पे टंकी। तो कितने की आती है भैया इसकी टंकी? इसकी आती है 55 लीटर की पेट्रोल की, नहीं सीएनजी की कितने की आती है? सीएनजी की इसकी 10-8 किलो की आती है। पता से आने के लिए, क्योंकि गाड़ी ऑन द स्पॉट चलेगी, फिर कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी। वो खड़ी है अपनी डिजायर, यहाँ पे चल रही है पतासी भाई। सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोटा में भी कितने सीएनजी पंप आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको देखो, अगर जयपुर से आ रहे हो तो आप जयपुर से फुल करा के निकलो तो आपको कोटा में मिल जाएगी। कोटा से आप फुल करा लो, कोटा से फुल कराओगे तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको सीएनजी का पंप मिल जाएगा विदेश से आगे, उसके आप वहाँ पे फुल करा लो, फिर भी आपको कोटा में भराने के बाद में फिर भी 2-1 घंटे खत्म होते हैं। अब यहाँ पे फुल करा लो और पेट्रोल डला लेना, क्योंकि अब हाईवे नया हाईवे बन गया है तो पेट्रोल अपन को हाईवे पे मिलेगा नहीं। या तो टंकी फुल करा लो, सीएनजी फुल करा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रास्ते में। देखो भाई ने हमारे को पूरा समझा दिया है। और ये देखो सब सो रहे, मानसु भाई भी देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे सीएनजी का पंप देख सकते हो आप। हमने सीएनजी और पेट्रोल दोनों फुल करा लिया, ये देखो हमारे बंदे वाले और भरा लो। और अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर, ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे लगेंगे हमारे को जाने में, तो 2-3 घंटे में हम पहुँचने वाले हैं फाइनली यहाँ से। सीन देखो यार, दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फाइनली। तो हिमांशु भाई कैसा फील हो रहा है यार बाबा की नगरी में? बहुत बढ़िया। ओ ये श्याम जी, कैसा फील हो रहा है? जय महाकाल सिस्टम से। तो अभी कपड़े वपड़े पहनेंगे पूरा, अभी तो नहाने धोने जा रहे हैं। तो भीड़ देखो, और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मौसम कैसा लगा? मौसम अपने हिसाब का है भैया, एक नंबर मौसम। चाय पानी यहाँ बाहर पी लेंगे और अब देखते हैं जी। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है यहाँ पे कमरा,
कमरा बोले तो यहाँ पे नहाने के लिए सुविधा कमरे में ही है। तो हमारे जितने बड़ो आप नहाने जा रहे हो पहले काफी अच्छा व्यू आएगा महाकाल का। हिमांशु सुनेगी क्या फील हो रहा है, एक बार वो कर दो यार। सीस्ट है। ओ हेलो यार दोस्तों, तो अभी जो है फाइनली रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप, तुम्हारा भाई रेडी हो गया। तो अभी टी शर्ट पहनेंगे, आप देख रहे होंगे ऐसे कैसे हो रहे हैं। तो अभी तो ये कमरे में सब रेडी हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं। ये देखो ले लो पहले यार, डायरेक्ट निकल चलेंगे उधर की तरफ। खा लेंगे बैग वैग में सब एक साथ। और आते देखो उज्जैन में। हाँ जी फुल जा रहे हो यार जल्दी। एक बार देख वो टी शर्ट भी पहन लेंगे, खा भी लेंगे, सब कर लेंगे। भाई का डेकोरम देख वही तो सिस्टर। देखो भाई चश्मा वश्मा लगा दिया। महाकाल क्या नाम है? हमारा नाम बादल भाट। उज्जैन क्षेत्र से ब्लॉक करते हैं हम। ठीक है क्या करते हैं अभी, हमारी फुल प्रसाद की दुकान है क्या बड़े भाई उन्हों? इन भाइयों को भी प्रसाद दूंगा, ये मंदिर के एंट्री गेट पर घुसेंगे अभी। क्या नाम से आपकी शॉप? हमारी शॉप बादल भाट 307 बादल बच्चा बदमाश उज्जैन क्षेत्र। आपकी सेटिंग है? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है ना यार। क्या नाम है उसका? वो भी तुम्हारी भाभी भी जयश्री महाकाल बोलती है। ओ ये पूरा सिस्टम है भाई, मेरा होटल है। सिस्टम पे सिस्टम बिठा रहा छोरा जाट का। Pulling up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, 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 and the gun time. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just wait for the bullets fly. Guys, all set. मेरा चश्मा। चेकिंग हो चुकी है हमारी और अब होगी इनकी चेकिंग। तुम्हारे विजय भैया कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? तो आप अगर सी एन जी गाड़ी से भी आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। यहाँ पे सी एन जी की व्यवस्था फुल है, अवेलेबल है। इधर कोई गांव के आसपास है क्या कोई एरिया में जो आपका इलाका हो? और विजय जी बता रहे हैं जब ये आए थे तो कुछ भी नहीं था भैया। ये तो अभी बना है, ये अभी बना है भैया बोल रहे हैं यहाँ पे। पहुंच चुके हैं पर फोन अलाउड नहीं है अंदर। तो भी ले ले फोटो ले ले यार। दोस्तों अंदर तो फोन अलाउड नहीं था तो मैं आपको ज्यादा व्यू बता नहीं पाया। मंदिर के अंदर भी फोन ले जाना अलाउड नहीं था, पहले जमा करा दिया। ब्लॉगर थे आपको मोबाइल क्यों नहीं ले जाने? मोबाइल अलाउड नहीं है किसी को भी, कितना बड़ा आदमी है चाचा ऐसे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, दर्शन हो गए हमारे काफी अच्छे है देखो। और अब चलते हैं, थोड़ी पेट पूजा करेंगे फिर चलेंगे सीधा होटल पे। हमारा I'm